यामी गौतम बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से एक हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। बीते साल एक्ट्रेस ने डायरेक्टर आदित्य धर के साथ शादी कर हर किसी को शॉक कर दिया था। बता दें कि यामी और आदित्य फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ही रिलेशनशिप में थे। फिल्म के सेट से ही दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन दोनों ने किसी को भी इस रिश्ते का पता नहीं चलने दिया। यामी ने 4 जून 2021 को आदित्य धर के साथ 7 फेरे लेकर हर किसी को हैरान कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में यामी ने आदित्य संग अपनी लव स्टोरी से लेकर मैरिड लाइफ तक की कई खुलासे किए हैं। लव स्टोरी की बात करते हुए यामी ने कहा कि मैं कहूंगी कि लव स्टोरी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमोशन के दौरान शुरू हुई थी साल 2019 में। तब हमने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किया था और हमारी दोस्ती हुई। लव स्टोरी छिपाने को लेकर एक्ट्रेस ने बताया था कि मुझे लगता है कि मैं और आदित्य धर बहुत लकी हैं कि ऐसा हो पाया। हम बहुत ही प्राइवेट लोग हैं और प्राइवेसी को अहमियत देते हैं, यहां तक कि हम बाहर आउटिंग पर भी नहीं जाते थे। हालांकि दोनों के रिश्ते के बारे में उनके करीबी दोस्तों को पता था, लेकिन उन्होंने कपल की प्राइवेसी को बरकरार रखा, जिसके लिए यामी और आदित्य दोनों ही उनके शुक्रगुजार हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए SMG बॉलीवुड को सब्सक्राइब कीजिए।